गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के एग्जांपल्स क्वेश्चंस, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने लिखा हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूजफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बात समझे, फिर सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग यानी हमको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। एक उन्होंने बोला है मोल फ्रैक्शन, इसको हम डिस्कस करते हैं। एक उन्होंने दिया है पीपीएम, ये आप जानते हो पीपीएम का मतलब हो गया 10 की पावर 6 में जब हम कंसंट्रेशन डिस्कस करते हैं, राइट। जैसे हम लोग बोलते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी डिस्कस्ड इन पीपीएम, ठीक। नेक्स्ट उन्होंने बोला मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। नेक्स्ट बोला मोलैलिटी स्मॉल एम। अब उन्होंने कहा कि इन फोर कंसंट्रेशन यूनिट्स में विच इज रिलेटिंग ऑफ सोल्यूशन इट्स वेपरेशन, ठीक। तो जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हो तो वहां पर आप डिस्कस करते हो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट हम जब डिस्कशन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेटिव इन लोअरिंग प्रेशर, रिलेटिव इन लोअरिंग प्रेशर। नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग करते हैं इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और फर्दर हम लोग डिस्कशन करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। तो जब इनको हम पढ़ते हैं तो वेपर प्रेशर जो हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, याद करो। क्या वहां पर आप पीपीएम यूज करते हो? नहीं। मास परसेंट यूज करते हो? नहीं। मोलैलिटी यूज करते हो? नहीं। देखो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, रिलेटिव मीन्स पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो वो कहता है कि जब वेपर प्रेशर डिस्कस करते हैं तो कंसंट्रेशन यूनिट जो रिलेट करते हैं वो कौन सा होगा? मोल फ्रैक्शन। तो इन चार में हम किस ऑप्शन को टिक करेंगे बच्चों? फर्स्ट ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर।